अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, मैं अब्दुल रज़ाक सर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ऑनलाइन ब्रिज कोर्स में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम पढ़ेंगे मज़मून अंग्रेज़ी स्टैंडर्ड फोर्थ का। आज हम इंग्लिश का 19वें दिन की आज हम सरगर्मी पढ़ेंगे। एक्टिविटी हम देखेंगे किस तरह से एक्टिविटी हल करना है हमको। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ए गेसिंग गेम। आज हम सीखेंगे गेसिंग गेम किस तरह से खेलना है आपको। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके जो दोस्त हैं या फिर आपके जो आसपास के जो बच्चे हैं, आपने मिलकर क्या करना है, एक ग्रुप बनाना है। एक या दो या तीन ग्रुप बनाना है आपने। और आपने क्या करना है, जो आपको सामने दिखाया जा रहा है, जो आपके तस्वीर दिए हुए हैं, इसमें क्या क्या है आपने देखना है। जैसे आपको देखा टाइगर बताया जा रहा है, उसके बाद एलिफेंट बताया जा रहा है, बोट है, पेंसिल है, बोर्ड है, बॉल है, फिश है, डक है, हाँ, उसके बाद क्या क्या देखिए, और टेबल है, नोटबुक है, सन, सूरज है, रोज़ है। इस तरह से आपको जो तस्वीर है ये आपको इसमें से इन कार्ड में से कोई एक कार्ड आपको लेना है। मान लीजिए अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो कम से कम आपने इनका नाम लिख कर लेना है। और नाम लिख कर लेने के बाद क्या करना है, जो आपका अपना दोस्त है तो उसको दोस्त को क्या कहना है कि आपने किसी एक की तस्वीर ले ले या फिर उसका नाम लिखा हुआ ले ले अंग्रेज़ी में। इससे क्या होगा, आपके दिमाग पर जोर पड़ेगा और आपकी सोचने की सलाहियत में इर्तका पैदा होगा। आप सोचने थिंकिंग जो है आपकी मजबूत हो जाएगी। जैसे मैं आपको, मान लीजिए मैं आपको एक तीन जुमले बताता हूँ, आपने पहचानना है कि वो क्या चीज़ है। देखिए, वो बहुत बड़ा है, उसका रंग हरा है, वो हमें छांव देता है, वो हमें खाने के लिए फल भी देता है, तो बताओ मैं कौन हूँ। गेस व्हाट इट इज, मैं कौन हूँ बताइए, कौन है ये। गुड, वो कौन है, दरख्त। अब दरख्त इसको अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, ट्री। बस इस तरह की हमने क्या करना है, गेम खेलना है। इन पिक्चर में से आपने कोई भी एक पिक्चर का नाम लेना है और उसके इस्तेमाल बताने हैं और सामने वाला सोचेगा कि वो क्या चीज़ है। हाँ, याद रहे कि इसका नाम हमने अंग्रेज़ी में ही बताना है क्योंकि हमारा ज़खीरे अल्फाज बढ़ना है। अंग्रेज़ी में अगर हमको तीनों जुमले पूछना नहीं आता है तो हम कम से कम उर्दू ज़बान में उसको पूछें और उसका जो हम पूछना चाहते हैं वो सामने वाला ग्रुप क्या करे, उसका नाम अंग्रेज़ी में बताए। इस तरह से दूसरे एक ग्रुप वाले के बाद बी ग्रुप वाला क्या करेगा, बताएगा, तीन सवाल पूछेगा, तीन उसके बारे में तीन बातें बताएगा और हमने क्या करना है, उसको पहचानना है, गेस करना है। देखिए, वी हैव समथिंग इन आवर माइंड, अपने दिमाग को थोड़ा क्या करना है, जोर देना है, थोड़ा बहुत जोर दे के सोचना है कि वो क्या चीज़ है। अब बताइए, एंड इट इज़ ग्रीन, वो कैसा है, हरा है। एंड इट इज़ बिग, बड़ा है। इट इज़ स्क्वेयर, वो स्क्वेयर है। एंड वी राइट ऑन इट, हम उस पर लिख सकते हैं। गेस व्हाट इट इज़, गेस कीजिए, आप पहचानिए कौन है। गुड, इट इज़ द बोर्ड, ये क्या है, तख्त सियाह है जिस पर हम लिखते हैं, उसका रंग हरा होता है, ब्लैक भी होता है, अब आजकल तो ग्रीन बोर्ड आ गए, बड़ा भी होता है, स्क्वेयर उसकी वो कैसी शक्ल का होता है, स्क्वेयर शक्ल का होता है। इस तरह से हमको क्या करना है कि ये सारी चीज़ों को हमने गेस करना है और गेम खेलना है और हमारे ज़खीरे अल्फाज में हमको इजाफा करना है। इसके अलावा आपने क्या करना है कि हमारे घर के अंदर जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उनके सहारों के नाम हमने अंग्रेज़ी में याद करना है। या फिर हमारे परिसर में, हमारे माहौल में, हमारे इन्वायरमेंट में जो जो चीज़ें हमको नज़र आती हैं इनके सहारों के नाम हमने क्या करना है, अंग्रेज़ी में याद करना है और बताना है, जिससे हमारे ज़खीरे अल्फाज क्या होते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए कुछ अल्फाज यहाँ पर दिए गए हैं, आपको उसको ध्यान से देखना है और पढ़कर समझना है। देखिए सबसे पहला क्या है, बैग है, उसके बाद क्या देखिए, बैट है, उसके बाद क्या देखिए, डॉग कुत्ता है, उसके बाद क्या है, पिग, उसके बाद क्या है, कैट, फिर क्या है, पैन, फिर क्या है, मैट, फिर क्या है, हैट, फिर क्या है, डॉल, बॉल, वॉल, नेट, फिर क्या है, पेन है, फिर हेन है, और फिर क्या है,
10 है। अब इस तरह से हमको क्या करना है, ये सारी जो चीज़ों को हमको क्या करना है, याद करना है और इसके बारे में 3-3 जुमले हमको लिखना है। सबसे पहले हम उर्दू में लिखें या फिर उसको फिर ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे हमारा क्या होगा, अंग्रेज़ी मजबूत हो जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।